यहाँ पे थी उस तरफ वाटर क्रॉसिंग, और जो कि कर दी गई है ख़त्म। यहाँ पे नीचे एक पाइप बिछाकर, ये देखो पानी कितना साफ पानी, क्रिस्टल क्लियर पानी है। ओहो, कीचड़ वाला पानी, आराम से आराम से आराम से। ओहो हो, देखा ये होता है इसके साथ कीचड़ वाले पानी में, ऐसे स्किड करती है बाइक। अब मैं फिर से डाउन द हिल जा रहा हूँ, और वो है सामने छतरु। काफ़ी दूर है अभी भी, 3 या 4 किलोमीटर होना चाहिए। और नज़ारा देखो, खूबसूरत नज़ारा, वाओ। चंद्रा रिवर के बस पास पहुंचने वाले हैं कुछ ही समय में, एक दो मोड़ और रह गए हैं और फिर से चंद्रा रिवर के साथ साथ चलना शुरू हो जाऊंगा मैं। ये देखो प्लास्टिक की बॉटल्स गिरा रखी हैं, अरे पी लो, लेकिन ऐसे मत फेंको, क्यों नेचर को तबाह कर रहे हो? तुम नेचर को तबाह करते हो, फिर नेचर तुम्हें तबाह करती है। और साथ में बहुत से बेगुनाह भी मारे जाते हैं। ओह क्या खतरनाक रोड है, ऑफ रोड। ये आ गया हूँ मैं बस चंद्रा रिवर के पास, ये देखो अभी फ्लो इसमें कितना कम है, और जब ये बागा रिवर के साथ मिलती है तो आगे इसमें देखो कितना खतरनाक वाला फ्लो हो जाता है। और पांगी वैली में तो इसका रूप जो है वो काफ़ी रौद्र होता है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे नदियाँ नाले भी मिल जाते हैं इसमें। ये देखो क्या ज़बरदस्त सीन है यार। इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं छतरु में, और ये सामने ब्रिज क्रॉस करूंगा, और वो सामने जो टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं यही है वो छतरु विलेज छोटा सा। अब इस ब्रिज को क्रॉस करके मैं हो जाऊंगा चंद्रा रिवर के लेफ्ट साइड में। इनमें से जो एक ब्रिज वो बड़ा वाला बना हुआ है वो डिसमेंटल कर दिया गया है। 2017 में जब मैं स्पीति आया था तब भी वो यूज़ में नहीं था, और अभी भी वो यूज़ में नहीं है, लेकिन देखो कितना पुराना ब्रिज है ये, और अभी तक ये खड़ा है। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा ऊपर का पहाड़ों का, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़। और ये जो रास्ता उधर की तरफ जा रहा है ये उस तरफ कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं, अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो कैंप्स वगैरह में तो आप कर सकते हो। और ये है आ गया वो ब्रिज चंद्रा रिवर के ऊपर, इसको करने लगा हूँ मैं क्रॉस। वेलकम टू छतरु, 3200 मीटर छतरु की हाइट है। और ये देखो हमारी चंद्रा रिवर। अब यहाँ करते हैं ब्रेकफास्ट और लेते हैं खूबसूरत सा ड्रोन शॉट। यहाँ सामने रुकते हैं और करते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट। कुंजम ढाबा इसका नाम है, और यहाँ पे सन 2017 में मैंने स्टे किया था। कुंजम टॉप है यहाँ से 43 किलोमीटर, काजा 120। तो इसी के साथ गैस मैं पहुँच चुका हूँ छतरु में, और छतरु में ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दे दिया है, आलू के परांठे साथ में पिकल, और फिर उसके बाद चाय। तो एक बार आपको सोचा कि छतरु के
बाहर का खूबसूरत नज़ारा दिखा देता हूँ। तो कैमरा के दूसरे एंगल से आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो छतरू का वो खूबसूरत नज़ारा, ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये है कुंजुम ढाबा जिसमें मैंने ऑर्डर दिया अभी चाय और परोंठों का, और आपको थोड़ा आगे जाकर दिखाता हूँ। ये देखो छतरू का वो खूबसूरत नज़ारा, और वो सामने ही मैंने बताया था उस तरफ से रास्ता है आने का, और यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं। अगर आपको कैंप में रुकने का शौकीन हो तो यहाँ रुक सकते हो। देखो ट्रैवलर भी खड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे लोग रुके हुए हैं। और ये देखो वो ब्रिज जो कि इस चंद्र रिवर पे बना हुआ है, और ये खतरनाक वाला पहाड़, क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, वाओ। और अभी उस रास्ते से मुझे आगे जाना है बातल वाली साइड को, तो आओ पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ का खूबसूरत छतरू का एक सिनेमैटिक ड्रोन शॉट। तो मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद। सो गाइस ले लिया है ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट इस छतरू वैली का, और अब मैं निकल पड़ा हूँ यहाँ से अपनी आगे की जर्नी जो कि है चंद्रताल। ये पब्लिक यूज़ के लिए टॉयलेट्स बनाए गए हैं यहाँ पर छतरू में, और वो है कैंपिंग प्लेस। देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है, ख़तरनाक वाला। और सामने से आती हुई एक जंगली लोमड़ी, ये है वो जंगली लोमड़ी। हेलो हेलो। छतरू से लेकर बातल के बीच का जो रास्ता, ये ज़बरदस्त है और ख़तरनाक भी, एडवेंचरस भी, और ब्यूटीफुल लैंडस्केप के साथ घिरा हुआ। जहाँ जहाँ खूबसूरत लैंडस्केप आएंगे आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। ड्रोन शॉट तो आपने देख ही लिया होगा इस खूबसूरत छतरू की वैली का, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। ये रास्ता ऐसे ही टूटा हुआ है, और फ्यूचर में देखते हैं, क्या पता ये रास्ता बना दिया जाए। यहाँ पे छतरू में एक PWD का एक गेस्ट हाउस भी है, और ये है सामने
उस गेस्ट हाउस में जाने के लिए रास्ता। ये जो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है वहाँ पे है एक पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस और इसका नाम है छत्रू विश्राम गृह, विश्राम गृह छत्रू, छत्रू वैली। अच्छा जी, एक ढाबा यहाँ पे भी खुल गया है, वाओ। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं पे भी यार, हर जगह खाना पीना हर चीज़ मिल जाती है। ये देखो पहले एक वाटर क्रॉसिंग्स होती थी यहाँ पर, अब यहाँ पे छोटा सा ब्रिज बना दिया है जिसके कारण वो वाटर क्रॉसिंग का जो एडवेंचर होता था वो ख़त्म हो गया है। एक समय में एक ही व्हीकल निकलेगा, ट्रक निकलने के कारण इसके ऊपर भी डेंट पड़ गए हैं हल्के हल्के। ये देखो ब्यूटीफुल लैंडस्केप। अब यहाँ से 31 किलोमीटर है बातल और उस 31 किलोमीटर के लिए मुझे लगेंगे कम से कम 2 से 2.5 घंटे। इसको अब टाइम के ऊपर लगा देते हूँ, 9:37 हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ 12 या 12:30 बजे मैं चंद्रताल पहुँचूँगा और लोसार इवनिंग तक ही पहुँच पाऊँगा क्योंकि 1 से 1.5 घंटा तो मेरा चंद्रताल में लगने वाला है। देखो चंद्रा लेके कितने पास आ गए हैं। अब ये जो सारी वैली दिखाई दे रही है आपको, इसमें इसी तरह के बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे यहाँ से लेके बातल तक। ये रास्ता कुछ इसी तरह का है, बड़े बड़े पत्थर और बीच में से सुनसान ये रास्ता निकलता हुआ, सुनसान सड़क। ये देखो कितना तेज शोर है इसका। आज देखेंगे चंद्रताल लेक का खूबसूरत सा नज़ारा। उस लेक का पानी भी क्रिस्टल क्लियर है। ये देखो मैंने बताया था ना बड़े बड़े पत्थर, देखो कितने पत्थर हैं यहाँ पर। पिछली बार से रास्ता थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है और ये आ गई छोटी सी वाटर क्रॉसिंग और इसे कर लिया मैंने इजीली पार। और रात में अगर आप इधर से आओगे तो सच में काफ़ी डर लगेगा क्योंकि इस सुनसान रास्ते में इस तरह आप चलोगे अकेले तो डर तो लगेगा ही लगेगा। ये देखो कैसे पत्थर पड़े हुए हैं इस तरफ। और किनारे से ये रास्ता निकाला हुआ है, यहाँ पे भी पत्थर गिरते हैं ऊपर से। और ये देखो यहाँ पे पानी आया होगा तभी ऐसी हालत बनी है, यहाँ पर रेत है, देखो रेत आई हुई है, सड़क पे भी रेत है। तो थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं बाइक को। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं ये, काश मैं बाहुबली होता तो इन पत्थरों को उठा लेता। ये देखो और ये देखो कितना बड़ा, इसके नीचे जैसे रात में स्टे भी कर सकते हैं हम, इतनी बढ़िया शेल्टर बनी हुई है इसके नीचे। यहाँ पे रास्ते में आई एक खूबसूरत सी छोटी सी लेक, लेक नहीं कह सकते,
एक छोटा सा तालाब टाइप बोल सकते हैं इसको। ये देखो कितना बड़ा पत्थर, ओ हो कितने फोर्स से ऊपर से नीचे आया होगा ये। ये देखो ये देखो क्या नजारा है यार। रात में जब इसके ऊपर मूनलाइट पड़ती है इन पहाड़ों पे ना, तो अगर उसकी तरफ देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई भूत खड़ा है इतना बड़ा विशाल। डर का माहौल बनेगा और आपको जो डर लगेगा। सामने आगे एक और वाटर क्रॉसिंग, चलो करते हैं इसे क्रॉस। ओहो बीच में गहरा आया था, रेत है ये देखो रेत। इस रेत पे आराम से, ये देखो यहाँ पे भी एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग और ये भी होगी क्रॉस इजीली। अभी एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एडवेंचर चल रहा है, अच्छी बात है। यही एडवेंचर करने के लिए तो मैं आया हूँ इतनी दूर से और आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये एडवेंचर। जो लोग नहीं आ सकते वो वर्चुअली मेरी वीडियो के थ्रू इन खूबसूरत वादियों के लुत्फ ले सकते हैं। ये है खतरनाक वाला रास्ता जिसकी मैं बात कर रहा था, पत्थरों वाला। यहाँ पे स्लो स्लो निकालो तो अच्छी बात है, बाइक के शॉकर भी पूरी तरह दब जाते हैं यहाँ पर तो यार। अब यहाँ पे भी पानी आया होगा ऊपर से, ओहो कंधों पे जोर आता है सीधा जब इतना बम्पिंग होती है बाइक। ओहो ये देखो, और यहाँ पे भी पानी आया होगा ठीक ठाक और अच्छी खासी वाटर क्रॉसिंग होगी ये भी। इस समय शांत पड़ी हुई है पूरी वाटर क्रॉसिंग्स। सितंबर मंथ है तो शांति तो बनी ही होगी, फिर भी कुछ जगह जहाँ पे स्नो का पानी पिघल पिघल कर आ रहा होता है वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग तो होगी ही होगी। और सामने से आ गई एक ट्रैवलर, चलो चलता रहता हूँ इसी तरह। और देखो तो पत्थरों के बीच में से ये सिंगल छोटा सा रास्ता, ये कटा गया पत्थर लग रहा, कटा हुआ है लग रहा शायद। ओहो हालत हो गई है खराब, कंधों पे आ रहा है पूरा जोर। जबरदस्त रास्ता है भाई, ये देखो खतरनाक वाली उतराई, कितना डीप स्लोप है एकदम। ओहो आराम से। ओहो इधर रास्ता इतना खराब, उधर चंद्रा रिवर देखो कैसे मुस्कुरा रही है। इसका शोर ही इसकी मुस्कुराहट है। ये तारें जियो की हैं, जियो फाइबर बिछाया जा रहा है हर तरफ़।